दोस्तों यहाँ पे कुछ है। ये क्या बन गया दोस्तों? हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं आपका भाई जसी और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पहुँच से और आपके प्यार से मैं भी ठीक हूं। अभी आप आवाज़ें सुन रहे थे पक्षियों की, कुत्ते की आवाज के साथ एक आवाज हो रही है, तो दोस्तों आज मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ इसकी स्टोरी सबसे अलग है। बहुत टाइम पहले जो ये सामने आप प्रॉपर्टी जो जमीन देख रहे हो इसके नीचे पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, इसको ये कब्रिस्तान वाली जमीन कहते हैं। और इस जमीन का काफ़ी डिस्प्यूट भी रहा है भाइयों में आपस में, और दोस्तों बहुत बार उनके बीच में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और उस वजह से एक भाई मारा भी गया था। और मेन कहने का मेरा मतलब है कि एक तो कब्रिस्तान वाली ज़मीन है जहाँ पर पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके ऊपर ये ज़मीन है, और कहते हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि जो पुराना कब्रिस्तान था ना उसकी जो कब्रें थी यहाँ पर पुरानी, उस हिसाब से ये ज़मीन नज़र आती है, वैसी दिखती है। और इसमें से हाथ पांव जैसे हमने कहते नहीं फिल्मों में देखते हैं कि हाथ बाहर आ रहे हैं, पैर बाहर आ रहे हैं, कोई आदमी बाहर आ रहा है, यहाँ पूरी की पूरी लाश बाहर आ रही है जो इस ज़मीन में गाड़ दी गई थी, वही सेम स्टोरी है। बड़ी अजीब स्टोरी है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसी लोकेशन शूट कर रहा हूँ जिसको कहते हैं यहाँ वाले कब्रिस्तान वाली ज़मीन। बड़ी अजीब सी स्टोरी है पर ये रियल है। लोकेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा मकसद किसी की प्रॉपर्टी को बदनाम करना नहीं होता दोस्तों, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। कई दोस्त कहते हैं कि आप लोकेशन बताया करो, दोस्तों उसके पीछे थोड़ी सी मजबूरियाँ होती हैं और कुछ नहीं होता। तो ये कब्रिस्तान वाली ज़मीन है जिसके ऊपर भूत पिशाच चुड़ैलें आत्माएँ और मुर्दे कहते हैं कि यहाँ पर चलते हैं, दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि ऐसा लगता है कि खून ही खून पड़ा है, और इसको उपजाऊ नहीं बोल सकते, बहुत कम यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है। बाकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ मैं, और चलते हैं लोकेशन की तरफ और चेक करते हैं कि आखिर यहाँ पर वैसा कुछ है या नहीं है जैसा हमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों आपके सामने बिल्कुल सब कुछ प्लेन नज़र आ रहा होगा, और आंधी सी और मिट्टी सी कैमरे में आपको रिकॉर्ड हो रही होगी। अब ये मुझे नहीं पता क्यों है, ये आप देख रहे हो, देखिए धुंधला धुंधला सा नज़ारा है यहाँ पर, और कुछ मंज़र ऐसा ही है। इसका कारण मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। कुत्तों की आवाजें आ रही हैं, और पास से कोई आवाज भी आ रही है।
तो आवाज़ सुनी आपने, कौन है? दोस्तों अभी एक आवाज रिकॉर्ड हुई है कैमरे में, कौन है? नहीं दोस्तों, कुत्ते की आवाज़ आपको आ रही है और मिट्टी सी उड़ रही है, शायद हवा चल रही है यार, मुझे पता नहीं। क्या कोई है यहाँ पर? मुझे बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं ज़मीन में से निकलती हैं। अगर आप में दम है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, सामने आओ। क्या कोई है? दोस्तों जैसे ही किसी की अजीब सी आवाज़ आई ना, उसके साथ के साथ कुत्तों की आवाज़ें शुरू हो गई हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मुझे पता है और बताया गया है कि आप यहाँ पर हो। दोस्तों वो आप शायद आपको आसमान दिख रहा होगा, मेरा मकसद आपको नुकसान पहुँचाना नहीं है। मैं आपके बारे में जानने आया हूँ, आपके बारे में पता करने आया हूँ और मुझे पता है कि आप यहाँ हो। दोस्तों यहाँ पर कोई चीज़ आई है, कोई आवाज़ आई है, क्या दोबारा कर सकते हो? मैं कह रहा हूँ क्या दोबारा कर सकते हो? आगे चलते हैं। दोस्तों आवाज आ रही है लगातार मुझे, ये आप आवाज सुन रहे हो? ये देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ है यहाँ पर, मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा कि क्या है। फिर आवाज आई है, कौन है? अगर वाकई कोई है तो सामने आए। पक्षियों की और जानवरों की आवाजें दोस्तों आ रही है।
यहाँ से आया, जैसे मैं भाग के आया दोस्तों, कौन है यहाँ पर? अगर आप में दम है सामने आओ। ये देखिए, दोस्तों फिर मिट्टी छोड़ रही है यहाँ पे यार, मेरा मालिक कृपा करे। मैं आपको नुकसान पहुँचाने यहाँ पर नहीं आया, मैं साफ साफ बता रहा हूँ दोस्तों, मिट्टी मिट्टी हो गई यार। ये क्या बन गया दोस्तों, ये क्या बन गया दोस्तों? जैसे कोई आदमी हो यार, मालिक कृपा करे यार। कौन है? दोस्तों मुझे नहीं पता यहाँ पर आखिर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों उड़ती हुई कोई चीज गिरी नीचे, कृपा करे यार। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरी नीयत आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं है। अगर बिना नुकसान पहुंचाए आप सामने आ सकते हैं तो जानवरों की आवाज़ें और पक्षियों की आपको आ रही है। ये देखिए, मेरे मालिक को पकड़े, काफ़ी तेज आंधी आने लग गई है, ये आप देख रहे हो। आवाज़ मेरी है जो अच्छे से रिकॉर्ड हो, दोस्तों यहाँ पे कुछ है, दोस्तों यहाँ पे कुछ था यार, वो दूर लाइट चमक रही है और यहाँ पे कुछ था यार, मुझे यहाँ पर लगा कोई सफेद कलर में कोई चीज खड़ी है। बाकी दोस्तों रेटिंग में चेक करूंगा और जो एक बार आपसे साइड में जाके थोड़ा बात करता हूँ, भी लोकेशन आपको घुमा देता हूँ। इस जगह पर मुझे लगा था कोई है, एक बार लोकेशन से बाहर चलता हूँ, चलते एक बार लोकेशन से बाहर चलिए। तो दोस्तों ये थी आपके सामने लोकेशन, रेटिंग में चेक करूँगा क्या रिकॉर्ड हुआ है। ये मेरा इंस्टाग्राम का नाम शो हो रहा है, फॉलो कर लेना। लोकेशन से बाहर जा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक लोकेशन है। अभी क्या है कि आपके सामने है जो मौसम ख़राब हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसको शूट करेंगे। एक बार आपके भाई को इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपको प्यार, निकलता हूँ यहाँ से, धन्यवाद।